तब दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जेपी नड्डा को दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना के चलते सदस्यता अभियान नहीं हो पाया। नड्डा के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुट रहा, काम में जुटा रहा। नड्डा ने पूरे संगठन को काम में जोड़े रखा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी ने कई सफलताएं अर्जित की। अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जेपी नड्डा का, जून तक वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे जून 2024 तक। दो दिन से कार्यकारिणी की बड़ी बैठक चल रही है और कार्यकारिणी की आज बैठक का दूसरा दिन है जिसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कार्यकारिणी का ये महत्वपूर्ण फैसला भी निकलकर सामने आया है कि जेपी नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ज्यादा जानकारी स्वाति पाठक देंगी इस खबर पर। और ज्यादा जानकारी के लिए स्वाति जुड़ गई हमारे साथ। स्वाति, 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जेपी नड्डा का, और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए कार्यकारिणी की बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए दो दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो नेता है वो भी एनडीएसी कन्वेंशन सेंटर से लगातार निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अमित शाह, तमाम नेता जो है वो निकल चुके हैं और इस बार एनडीएसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा अभी भी मौजूद है। और जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल शुरू के तक कहा दिया गया है और अमित शाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कहा गया है। स्वाति, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ पा रही है। कार्यकारिणी का बड़ा फैसला जून 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये महत्वपूर्ण फैसला कार्यकारिणी से निकलकर सामने आया है। तो कार्यकारिणी का फैसला, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, इसके अलावा बहुत से आर्थिक और सांस्कृतिक फैसले भी इस कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए हैं। साथ ही साथ 2024 को लेकर लगातार तमाम रणनीतियां बन रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया, बातचीत की गई। साथ ही साथ 2024 को लेकर अब बीजेपी का जो फोकस है वो नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी में प्रवक्ताओं की नई